नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार, उमंग स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसरो रिक्रूटमेंट 2019 के बारे में, जो कि आप लोगों का विदाउट गेट है। इसमें साइंटिस्ट या इंजीनियर पोस्ट की रिक्रूटमेंट आई हुई है और इसमें आपको सैलरी जो मिलेगी वो 56,100 रुपये मिलेगी और ये पूरी तरह से ऑफिशियल है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की तरफ। ओके फ्रेंड्स, तो ये हम लोगों ने ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट खोल लिया है। यहाँ पे आप लोगों का डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इसरो सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट बोर्ड ICRB, ओके, BE/BTEC और इक्विवेलेंट डिग्री इन सिविल इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग AC एंड आर्किटेक्चर। कौन सा पोस्ट है? रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिस्ट या इंजीनियर, ठीक है, वैसी भी ये आपका डिग्री होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो भी इंट्रोडक्शन है वो आप लोगों का इसके बारे में दिया हुआ है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में सभी को पता है, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? इसके मुख्यालय बेंगलुरु स्थित, ये भी आप लोगों का, द सिविल इंजीनियरिंग प्रोग्राम ऑफिस EPO एट इसरो हेडक्वार्टर बेंगलोर एंड कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस डिवीजन CMDs लोकेटेड एट वेरियस, ये सभी आप लोगों का इंस्ट्रक्शंस का ही पार्ट है। थर्ड, हम लोगों का इसमें क्या किसकी बात कर रहा है? इसरो ऑफर्स द पोजीशन ऑफ साइंटिस्ट इंजीनियर SC इन लेवल 10 ऑफ पे मैट्रिक्स टू द यंग ग्रेजुएट्स इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन, सिविल इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेशन एडुकेशन एंड आर्किटेक्चर। यहाँ पे आप लोगों का दिया हुआ पोस्ट कोड BE004, नेम ऑफ द पोस्ट साइंटिस्ट या इंजीनियर SC सिविल, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है? 11 है। रिजर्वेशन स्टेटस अनरिजर्व में 5 है, OBC में 5 है, EWS में 1 है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको दिया हुआ है। इसमें आपको क्वालिफिकेशन की हम लोग बात करें, BTEC और इक्विवेलेंट इन सिविल इंजीनियरिंग इन फर्स्ट क्लास विथ एन एग्रीगेट मिनिमम ऑफ 65% मार्क्स और CGPA 6.84 आउट ऑफ 10 एवरेज ऑफ ऑल सेमेस्टर फॉर विच रिजल्ट्स आर अप्रेबल, ठीक है। CGPA है तो आपका 6.84 मिनिमम होना चाहिए और परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो आप लोगों का मिनिमम जो है सो कि आप लोगों का 65% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों का है PE005, ये आप लोगों किसका है? साइंटिस्ट या इंजीनियर, ये इलेक्ट्रिकल का है, इलेक्ट्रिकल का 5 है, अनरिजर्व में 3 है, एक OBC एक SC ST है, इसका भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहीं पे दिया हुआ है। थर्ड हम लोगों का है, ये हम लोगों का किसका है? रेफ्रिजरेशन है, एयर कंडीशनिंग का, यहाँ पे 4 है, 3 अनरिजर्व के लिए, एक OBC के लिए है, यहाँ पे इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। आगे हम लोग का BE007 है, ये किसके लिए? हम लोगों का आर्किटेक्चर वालों के लिए है, 1 है और 1 अनरिजर्व के लिए है, ये इसका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। आगे बढ़ते हैं, एज लिमिट की बात करते हैं, तो एज लिमिट आप लोगों का 35 ईयर रखा गया 14/10/2019 तक और 40 साल SC ST कैंडिडेट के लिए है, 38 ईयर OBC वालों के लिए है, ठीक है। PWD वालों का कुछ छूट अलग से जो मिला रहता है वो मिल जाएगा। आवेदन की तिथि की बात करें, आवेदन की विधि, ऑनलाइन पंजीकरण आप लोगों को करना है और वेबसाइट पर 24/9 से लेकर के 14 अक्टूबर तक रहेगा। हाउ टू अप्लाई, द एप्लीकेशंस फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल बी होस्टेड इन द इसरो वेबसाइट बिटवीन 24/9/2019, ठीक है, यानी कि जो है सो कि आप लोगों का आज ही के डेट से एंड 14 अक्टूबर 2019, द कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड अंडर नेशनल करियर सर्विस NCS पोर्टल एंड फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी कंडीशन मे अप्लाई ड्यूली फॉलोइंग द प्रोसीजर स्टेटेड, एप्लीकेशंस विल बी रिसीव्ड ऑनलाइन ओनली। NCS के बारे में एक अलग से हम लोग वीडियो बना देंगे फ्रेंड, ये बहुत ही अच्छा पोर्टल है, यहाँ पे आप लोग जाकर रजिस्टर कर सकते हैं और उसमें आप लोगों को इजीली जॉब भी मिल जाएगा, बहुत सारे जॉब्स का अपॉर्चुनिटी वहाँ पे आते रहता है। ये और एक NATS नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, इसके ऊपर अलग से हम लोग सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है। और केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा, अपॉन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट्स विल बी प्रोवाइडेड विद एन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर विच शुड बी केयरफुली प्रिजर्व फॉर फ्यूचर रेफरेंस, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उसको आप फ्यूचर के लिए संभाल के रखेंगे। email ID ऑफ द एप्लीकेंट्स विल हैव टू बी गिवन इन द एप्लीकेशन कंपलसरी, आपको जैसे कि email ID कंपलसरी देना होगा। द लास्ट डेट सबमिशन है इसका आपका 14 अक्टूबर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC वगैरह जिसका कंडीशन होगा तो वो उसके लिए आप लोग जो है सो कि डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। आवेदन शुल्क की बात करें, 100 रुपया लग रहा है फ्रेंड्स, आप लोग आराम से इजिली अप्लाई कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है कि आप लोगों को पेमेंट के कारण परेशानी करने में दिक्कत होगा, ठीक है। उसके बाद टू पे द एप्लीकेशन फीस, उसके लिए आपको कंडीशन दिया हुआ कैसे कैसे आपको पेमेंट करना है, और बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड होगा तो इसका बताना आप लोग, इसलिए स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे उसका भी एक अलग से वीडियो हम लोग बना देंगे, ठीक है। और हम लोग कोशिश करते हैं फ्रेंड्स कि इसरो के भी इंजीनियर्स का या साइंटिस्ट का इंटरव्यू हम लोग आपको देने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और चिंता मत करो, हम लोग उसका इंटरव्यू आपको अवेलेबल करवा देंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। आवेदन शुल्क के बारे में बात करें, प्रोसेस फॉर एप्लीकेशन फी पेमेंट क्या प्रोसेस होगा, ऑनलाइन मोड इसे किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, ऑफलाइन तरीका से भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सभी महिला अभ्यर्थियों को वो भी कंडीशन दिया हुआ, चयन प्रक्रिया क्या होगा उसका भी डिटेल यहाँ पे आप लोगों का दिया हुआ है, सिलेक्शन प्रोसेस, BE या BTEC और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन फर्स्ट क्लास
with an aggregate minimum of 65% marks or CGPA 6.84 out of 10. Candidates who meet the eligibility criteria will be shortlisted to appear in the written test, which is scheduled to be conducted on 12 January 2020. ठीक है, आप लोगों का डेट दिया दिया 12 वेन्यूज विच अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, न्यू दिल्ली एंड तिरुवनंतपुरम. हाउ एवर ICRB रिजर्व्स इट्स राइट टू प्रिस्क्राइब द हायर कट ऑफ ऑन नीड्स बेसिस. ICRB ऑल्सो रिजर्व्स इट राइट टू कैंसल एनी रिटर्न टेस्ट सेंटर एंड री अलॉट द कैंडिडेट टू एनी अदर टेस्ट सेंटर. द कॉल लेटर्स ऑफ द रिटर्न टेस्ट टू द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी सेंट ओनली बाई ईमेल आईडी ड्यूरिंग द वीक ऑफ दिसंबर 2019. द रिटर्न टेस्ट पेपर कंसिस्ट ऑफ 80 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कैरिंग इक्वल मार्क्स. आप लोग 80 क्वेश्चन रहेगा और ये कभी भी अपना राइट को यूज करके चेंज कर सकते हैं. और हम लोग जो है कि इसका जैसे ही कोई अगला अपडेट आएगा तो हमारे चैनल पे हम लोग आपको अपडेट करवा देंगे. इसके लिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहना, ठीक है. बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस रिटर्न टेस्ट कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू. पहले आपका रिटर्न टेस्ट होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा. द शेड्यूल एंड वेन्यू ऑफ विच विल बी नोटिफाइड बाई ईमेल आईडी. वो आपको ईमेल आईडी के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा. रिटर्न टेस्ट ओनली इज ए फर्स्ट लेवल स्क्रीनिंग एंड रिटर्न टेस्ट स्कूल स्कोर विल नॉट बी कंसिडर फॉर फाइनल सिलेक्शन. ये जो है जो केवल आपका मेन, इसमें आपको भी पता है इसरो जो मेन सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के लिए होता है. और इंटरव्यू जैसे कि केवल और केवल आपका स्क्रीनिंग प्रक्रिया, यानी फाइनल जो मेरिट बनेगा उसमें रिटर्न का कोई भी योगदान नहीं रहेगा, उसमें केवल और केवल इंटरव्यू का योगदान रहेगा. फाइनल सिलेक्शन विल बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन द इंटरव्यू एंड दोज हु सिक्योर्ड मिनिमम 65% मार्क्स इन द इंटरव्यू विल बी एलिजिबल फॉर कंसीडरेशन ऑफ द एम्पैनलमेंट इन द सिलेक्शन पैनल इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट. मिनिमम आपको इंटरव्यू में 60% स्कोर लाना ही होगा तभी आप पैनल के लिए एलिजिबल हो पाएंगे. वेतन की बात करें हम लोग, यहाँ पे आपको 56,100 रुपये का पेमेंट मिलेगा. अदर टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है. इस PDF का एडवर्टीजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो. ओके, ये एक छोटा सा अपडेट था. आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. यदि अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा. इस वीडियो में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा. जय हिंद, जय भारत.